resistance combination. रेजिस्टेंस कम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, एक जिसे हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं और दूसरा वो जिसे पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं. सीरीज कम्बिनेशन, ये हमारा रेजिस्टेंस को जोड़ने का सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को जोड़ने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं, और दूसरे तरीके को हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं. पैरेलल कम्बिनेशन, इन दोनों तरीकों से हम लोग रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं. पहले हम लोग सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हैं. सीरीज कम्बिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें रेजिस्टेंस को सीरीज वे में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है. यानी कि फर्ज कर लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ये आपके पास रेजिस्टेंस R1 है, फिर ये आपके पास रेजिस्टेंस R2 है, और एक तीसरे रेजिस्टेंस है आपके पास रेजिस्टेंस R3. ये आपके पास तीन रेजिस्टेंस दी गई हैं. अगर आपको इन्हें सीरीज वे में जोड़ना हो तो आप इन्हें इस तरीके से जोड़ेंगे कि इनके जो एंड्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे. इस तरीके से R1 का ये वाला टर्मिनल दूसरी रेजिस्टेंस R2 के साथ जोड़ देंगे, और R2 का जो लास्ट वाला टर्मिनल है लेफ्ट साइड राइट साइड पर, उसे आप लोग जो है R3 के लेफ्ट से जोड़ देंगे. इसके राइट टर्मिनल को R3 के लेफ्ट टर्मिनल से जोड़ देंगे. तो इस तरीके से ये जो सीरीज़ हैं ये एंड टू एंड कम्बाइन और एंड टू एंड जो है वो कनेक्ट कर दी जाती हैं. उसके बाद जो R1 का लेफ्ट साइड है, R1 का जो लेफ्ट टर्मिनल है, उसे आप एक बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, और इसी तरह रेजिस्टेंस R3 का जो राइट वाला टर्मिनल है उसे आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़कर सर्किट को कम्प्लीट कर लेते हैं. या आपके पास दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप R3 के जो राइट वाला टर्मिनल है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, और R1 के लेफ्ट वाले टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें. जैसा कि इस इमेज में है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेस दी गई हैं, एक R1 और एक R2. इन्हें आप इस बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी की लैब में मोस्टली से इस्तेमाल करते हैं. इस वाले सर्किट को हम लोग कहते हैं कि ये ब्रेड बोर्ड है. ब्रेड बोर्ड ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर डिफरेंट टर्मिनल्स दिए गए होते हैं. इस तरीके के ना छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए होते हैं जिनके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस के वायर वगैरह को कनेक्ट कर देते हैं. ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम लोग कार्बन रेजिस्टर बोलते हैं. कार्बन रेजिस्टर या मोस्टली से रेजिस्टेंस भी कह दिया करते हैं, लेकिन ये चूँकि दूसरे रेजिस्टेंस के टाइप है. एक रेजिस्टेंस इस तरह का आप लोग लैब में देखेंगे, इस तरह से बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर डिफरेंट नॉब्स वगैरह दी गई होती हैं. उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 200 ओम की है, इतने ओम की है, मतलब डिफरेंट उसके ना उसके ऊपर पॉइंट्स वगैरह लगे होते हैं. इस तरीके से लैब में हम लोग ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, इसे रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं. इसमें हमें जितनी रिक्वायर होती है सर्किट में, जितनी हम लोगों को रेजिस्टेंस चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उतनी उतनी की निकालते जाते हैं. हर की के बाहर लिखा होता है कि इतने ओम की रेजिस्टेंस है. जिस तरह से एक 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 हम लोग की निकालते जाते हैं और उतनी रेजिस्टेंस रहने देते हैं इस बॉक्स के अंदर जितनी की हमें ज़रूरत होती है. यानी कि एक रेजिस्टेंस की टाइप ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो आप अपने फिजिक्स लैब में इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा एक रेजिस्टेंस की टाइप ये होती है जिसे कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर या मोस्टली ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि इतने बड़े बोर्ड को, इतने बड़ा जो बॉक्स है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसे आप इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर नहीं लगा सकते. और जो कार्बन रेजिस्टेंस होती है वो छोटा सा डिवाइस होता है, तकरीबन इतना होता है देखने में. इसके ऊपर कलर कोडिंग हुई होती है डिफरेंट कलर्स की, और ये इसके दो टर्मिनल हैं. जिस तरह के कैपेसिटर, जैसे आपने कैपेसिटर को देखा था ना, कैपेसिटर के यहाँ पे दो टर्मिनल हैं. जिस तरह कैपेसिटर को इजीली हम लोग इस ब्रेड बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं, सिमिलरली इन रेजिस्टेंसेस को भी हम इस ब्रेड बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं. दोनों ही रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो हम फिजिक्स लैब में इस्तेमाल करते हैं, और ये रेजिस्टेंस वो कार्बन रेजिस्टर है जिन्हें हम लोग आसानी के लिए मोस्टली अपनी अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी की लैब में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें छोटे से सर्किट के साथ काम करना हो. यानी कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि कार्बन रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करें. अब जैसे कि आप इस देख सकते हैं, जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं और ये ब्रेड बोर्ड है जिसके ऊपर हम लोगों ने उन रेजिस्टेंस को लगाना है. जब सीरीज वे में रेजिस्टेंस को लगाना हो तो हम उनके एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, जैसे भी हम लोगों ने बात की. अब ये सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है वो एक ही लाइन में कनेक्ट है. जैसे कि ये वाली पूरी की पूरी लाइन के अंदर इसका भी ये वाला नॉब जो है इधर आ रहा है, इसका भी ये नॉब जो है इधर आ रहा है,
और ये दोनों भी आपस में इसी जगह पर कनेक्ट हैं, यानी कि एंड टू एंड ये इस तरीके से मिल जाते हैं कि अगर इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ, छोटा छोटा बहुत छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं हमारे पास ब्रेड बोर्ड के ऊपर, वहाँ पर आप रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को डालते हैं, ये आपके पास कार्बन रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा टर्मिनल भी उसी लाइन में लगा देते हैं और अगली रेजिस्टेंस को उसी बॉक्स के अंदर मिला कर आगे लगा कर इस तरीके से ये सीरीज वे में आप इसे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्रेड बोर्ड जो है, ये जो हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, यहाँ से कनेक्ट करके इसे बैटरी के साथ लगाया होता है तो पूरे के पूरे ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो है वो वोल्टेज आ जाता है और वही वोल्टेज इन रेजिस्टेंस के अंदर भी आ जाता है। तो हम लोगों ने बात की थी रेजिस्टेंस को सीरीज वे में जोड़ने की। जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज वे में जोड़ना होता है तो हम इन्हें एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि R1 और ये हमारी तीसरी रेजिस्टेंस R3। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग इसे जो है बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि बैटरी का वोल्टेज इन रेजिस्टेंस को मिल जाए। हम कहते हैं, फर्स्ट कर लीजिए कि हम कहते हैं कि जो बैटरी हम लोगों ने लगाई है वो तकरीबन 6 वोल्ट की है। जब रेजिस्टेंस को सीरीज वे में लगाया जाता है तो उस सिचुएशन में जो करंट है इस वोल्टेज की वजह से इस पूरी की पूरी सर्किट के ऊपर, अगर इस पूरे के पूरे सर्किट के ऊपर, जैसे कि आपको मालूम है कि ओम्स लॉ के मुताबिक जब किसी सर्किट को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है और उसी वोल्टेज की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होता है। सीरीज वे में जो करंट इस बैटरी के वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस होता है वो हर रेजिस्टेंस के पास इक्वल होता है, यानी कि R1 के पास जो I1 करंट है, इसके पास I2 और इसके पास R3 के पास I3 है, ये तीनों करंट आपस में इक्वल होते हैं जो कि बैटरी के करंट I के इक्वल होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में सीरीज़ कम्बिनेशन में जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है डिफरेंट हो जाता है। R1 का वोल्टेज V1 है और R2 का वोल्टेज लेट्स से कि V2 और R3 का V3 है। ये तीनों वोल्टेज वेरी कर जाते हैं लेकिन ये वोल्टेज जो है ये बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आ जाते हैं, यानी कि इनका सम फर्स्ट कर लीजिए इस तरीके से, यानी कि ये हमारा बैटरी का वोल्टेज है तो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है इनका ऐड करके बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ही आ जाता है। हो सकता है कि R1 रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिला हो वो 1 वोल्ट हो और R2 रेजिस्टेंस को 2 वोल्ट मिला हो, इसी तरह R3 को हो सकता है कि 3 वोल्ट मिल गए हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 6 वोल्ट हैं और 1 प्लस 2 प्लस 3 जो वोल्ट हैं ये आपस में कंबाइन होकर 6 वोल्ट ही हमारे पास आ जाते हैं। तो जितना वोल्टेज बैटरी सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को देती है वो वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन रेजिस्टेंस के अंदर, लेकिन उनका सम जो है वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ही रहता है। अगर मैं V1 की बात करूँ तो मुझे मालूम है कि जो V1 वो रेजिस्टेंस R1 की वोल्टेज है। अगर मैं V1 के लिए रिलेशनशिप निकालना चाहूँ तो ये I into R हो जाएगा क्योंकि करंट तो दोनों के लिए सेम है। सिमिलरली अगर V2 की बात की जाए तो ये I into R2 आ जाएगा और इसी तरह अगर V3 वोल्टेज की बात की जाए जो कि रेजिस्टेंस R3 का वोल्टेज है तो ये I R3 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं ये इस सिचुएशन के मुताबिक लिखूँ कि जो बैटरी ने वोल्टेज इन तीनों रेजिस्टेंस को दिया है वो वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि इन तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल है। अब अगर मैं V1 की जगह I into R1 प्लस V2 की जगह I into R2 प्लस V3 की जगह I into R3 लगा लूँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस रिलेशनशिप से निकाला है, तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है कि जो करंट है वो पूरे के पूरे सर्किट में सेम है जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर, बैटरी के वोल्टेज जितना ही है, यानी कि जितना वोल्टेज बैटरी का है उसके अकॉर्डिंग जितना भी करंट इस सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हुआ होगा वो करंट सेम है सब रेजिस्टेंस के लिए। और ये करंट चूँकि सेम है इसलिए इसे यहाँ पर कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 रह जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास बैटरी का वोल्टेज V है। अब अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस RT का नाम दे दूं तो यहाँ पर मेरे पास I into RT आ जाएगा जो कि V के इक्वल है। अब देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो I into RT के इक्वल है। तो अगर मैं इसी वैल्यू को अगर यहाँ पर अगेन पुट करके देखूँ, यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो I into R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल है, तो इस रिलेशनशिप को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ इस जगह पर तो ये मुझे बता देगा चूँकि बैटरी का वोल्टेज है वो I into टोटल रेजिस्टेंस के बराबर है जो कि I into R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल है। करंट यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम, तो मैं इस रिलेशनशिप को RT into R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकती हूँ
और हो सकता है कि बैटरी में आप लोगों ने तीन के अलावा जो आप सर्किट है उसमें तीन के अलावा भी मजीद रेजिस्टेंस इस्तेमाल की हो, तो सिचुएशन में जो है ये सॉल्व भरता चला जाता है। अब जब भी सीरीज वे में रेजिस्टेंस लगाई जाती है तो ये जो आपकी रेजिस्टेंस है ना आर टी, इसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर हाल में हर रेजिस्टेंस से बड़ी है, ये आर वन से भी बड़ी है, टोटल रेजिस्टेंस आर टू से भी बड़ी होगी और ये भी टोटल रेजिस्टेंस आर थ्री से भी बड़ी होगी। और अगर बैटरी में कोई अगर सर्किट के अंदर कोई एक मैक्सिमम भी रेजिस्टेंस है तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी इस आर टी से छोटी होगी, यानी कि आर टी इस मैक्सिमम रेजिस्टेंस से हर हाल में बड़ा होगा। सीरीज कम्बिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास आपके एक्सपेरिमेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हो कि आपने अपने सर्किट का जो करंट है उसे कांस्टेंट रखना है, उसे नहीं चेंज करना, तो आप रेजिस्टेंस को इस तरीके से जोड़ें कि करंट जो है वो वेरी ना करे। यानी कि आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट दी गई हो कि आप रेजिस्टेंस को जिस तरीके से मर्जी जोड़ें बस आपका करंट ना तब्दील हो। तो आपको मालूम है कि जब आपने रेजिस्टेंस का करंट ना तब्दील करना हो, यानी कि सर्किट का जो करंट है वो सेम रखना हो हर रेजिस्टेंस के लिए, तो उसको जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सीरीज़ कम्बिनेशन है। सीरीज़ कम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहता है, तो इस तरीके से करंट को कॉन्स्टेंट या सेम रखने के लिए आप रेजिस्टेंस को सीरीज़ वे में जोड़ लेते हैं। अब इन रेजिस्टेंस को जोड़ने का जो दूसरा तरीका है जिसे हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, उस तरीके के बारे में देखते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन में लेट्स से कि आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, जैसे कि हम लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन में ली, एक रेजिस्टेंस आर वन है, देन आपके पास एक और रेजिस्टेंस है आर टू, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है आर थ्री। ये आपके पास तीन रेजिस्टेंस दी गई हैं और आपको ये एक्सपेरिमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने इन्हें जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ना है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ने का तरीका ये होता है कि हम इन रेजिस्टेंस को साइड बाय साइड कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर वन आर टू और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर थ्री है। पहले तो हम इन तीनों टर्मिनल्स को, इनके तीनों जो राइट लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल हैं उन्हें एक तरफ से और राइट साइड वाले टर्मिनल को एक तरफ से जोड़ देते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मिडल से टर्मिनल को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और यहाँ के मिडल टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से जोड़ते हैं, यानी रेजिस्टेंस को साइड बाय साइड कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर वन है, ये आर टू है और ये रेजिस्टेंस आर थ्री है। ये हमारे पास दिया गया ब्रेड बोर्ड है जिसके ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि इस छोटे से बॉक्स के अंदर और इस छोटे से बॉक्स के अंदर और इस छोटे से बॉक्स के अंदर, यानी कि तीनों एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। तीनों लाइन में जो है यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस का टर्मिनल, यहाँ पर दूसरे रेजिस्टेंस का टर्मिनल और यहाँ पर तीसरे रेजिस्टेंस का टर्मिनल जोड़ दिया गया। यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन में अगर हमें जोड़ना हो तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनमें बिल्कुल जितना वोल्टेज इसमें आ रहा होगा उतना ही वोल्टेज इसमें भी इसे मिल रहा होगा, यानी कि इनका फंक्शन सेम रहता है। तो जब भी पैरेलल कम्बिनेशन में सीरीज को जोड़ना हो तो उन्हें इस तरह से वर्टिकल लाइन में हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो ये जो है एक ही लाइन में कनेक्ट हो गई। तो इन तीनों के ऊपर जो टर्मिनल है उस पर सेम ही काम होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो इसका टर्मिनल, यहाँ पर टर्मिनल और यहाँ पर टर्मिनल, ये भी तीनों एक ही लाइन में आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि सीरीज़ कम्बिनेशन में हम यूँ करते हैं कि अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है इस तरीके से इस नॉब के अंदर, तो अगली रेजिस्टेंस इसके अंदर से इस तरह लगा दिया जाती है, यानी कि ये वाली लाइन जो ये सीरीज़ वे में कनेक्ट होती है, ये वाली जो लाइन्स होती हैं ये वर्टिकल में कनेक्ट होती हैं। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप एक टर्मिनल को सीरीज़ में लगा दें और अगले टर्मिनल को पैरेलल में लगा दें, यानी कि अगर आप इस तरह से करना चाहें इस पैरेलल में करने के लिए कि एक टर्मिनल लग से आपने यहाँ पर लगा दिया, अगली जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ से लेके आप यहाँ कनेक्ट कर दें, तो वो गलत है। सीरीज़ में करने के लिए हम लोगों को इस तरह से करना पड़ता है कि यहाँ पर अगर एक इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो अगली रेजिस्टेंस हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं या इसके साथ ही कनेक्ट कर देते हैं, चूँकि सब टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ये जो सब स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना पॉइंट के फॉर्म में, सब आपस में इस तरीके से इस लाइन में कनेक्ट है और ये वाले सब के सब इस तरह वर्टिकल लाइन में कनेक्ट है। तो इस तरीके से जब हम लोगों को पैरेलल कम्बिनेशन में इस्तेमाल करना होता है तो हम ये वाला वे इस्तेमाल करते हैं, जब सीरीज़ में करना होता है तो हम लोग ये वाला वे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल और सीरीज़ वे में कनेक्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे पैरेलल कम्बिनेशन की, तो पैरेलल कम्बिनेशन में इस तरीके से हम लोगों ने रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हम इस ब्रेडबोर्ड को जो है वो किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर जो है उतना ही वोल्टेज आ जाता है जितनी बैटरी के वोल्टेज के साथ हम इसे कनेक्ट करते हैं।
जब भी पैरेलल कम्बिनेशन की बात की जाती है तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज है, लेट्स से कि 6 वोल्ट बैटरी है, तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज है हर रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज सेम होगा, यानी कि V1 बराबर होगा V2 के और V2 बराबर होगा V3 के। हर रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, जबकि इस सिचुएशन में जो करंट है I1 और यहाँ पर आकर I2 देन यहाँ पर आकर I3, ये तीनों जो हैं ये चेंज हो जाते हैं और जो करंट है टोटल वो इनके कम्बिनेशन यानी इनके एडिशन के इक्वल आ जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जैसे कि हम लोगों ने सीरीज़ में डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर करंट चूँकि चेंज है तो यहाँ पर करंट के लिए हम लोग I1 की जब डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो V डिवाइडेड बाय हमारे पास R1 आ जाएगी। सिमिलरली I2 करंट की जो हमारे पास है वो V डिवाइडेड बाय R2 और इसी तरह I3 करंट जो है वो V डिवाइडेड बाय R3 आ जाएगा। दूसरी बात ये कि हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में क्यों कहते हैं कि करंट चेंज हो गया। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास ये जो करंट चेंज हो रहा है ये इसलिए होता है कि करंट के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। सीरीज़ कम्बिनेशन में आपको याद होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्किट कनेक्ट कर दिया जाता है, तो करंट ने पॉजिटिव टर्मिनल से यू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाना होता है, यानी कि करंट के गुजरने का एक रास्ता है, इसलिए करंट जो है वो सेम रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर करंट जो है वो यहाँ से गुजर कर भी बैटरी तक आ सकता है, करंट दरमियान वाले रास्ते से भी आ सकता है और करंट के नीचे वाले रास्ते से भी आ सकता है, यानी कि करंट के गुजरने के काफ़ी रास्ते बन जाते हैं, जिसकी वजह से पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू मुख्तलिफ हो जाती है। अगर अब मैं इसको यूँ लिखूँ कि हमारे पास जो टोटल करंट है वो टोटल करंट हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 के सम के इक्वल है, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लूँ जो कि V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3 है, तो हमें मालूम है कि वोल्टेज तो हमारा सेम है, तो वोल्टेज को क्यों ना कॉमन ले लिया जाए और 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 आ जाता है इस तरीके से। और यहाँ बाहर हमारे पास जो है वो I है, यानी कि टोटल करंट जो है बैटरी की वजह से जो टोटल करंट सर्किट में है वो I टोटल है। अब अगर मैं इस तरह से करूँ कि इतनी सारी रेजिस्टेंस को लिखने की बजाय यहाँ पर मैं सिर्फ एक RT लिखूँ, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, इस तरीके से मुझे लिख लेना चाहिए कि इन सब रेजिस्टेंस को चेंज करके मुझे यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय RT लिख लेना चाहिए और V, तो ये मेरे पास जो टोटल करंट आ जाएगा, टोटल करंट मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा कि अब जो टोटल करंट है सर्किट के अंदर वो V डिवाइडेड बाय RT है। अब अगर मैं इस वाले रिलेशनशिप में R टोटल की जो वैल्यू है ये वाली आई, अगर ये पुट करके देखूँ जो कि मेरे पास टोटल करंट की वैल्यू आई है V डिवाइडेड बाय RT और यहाँ पर मेरे पास V × 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 है, तो देखा जाए तो वोल्टेज यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम, तो क्यों ना इन वोल्टेज को आपस में कैंसिल आउट कर दिया जाए। तो 1 डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3 के इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो पैरेलल कम्बिनेशन है उनके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप 3 की जगह 4, 5, 6 किसी भी किस्म की आप रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें तो ये रेजिस्टेंस ओम की फॉर्म में भरती चली जाती है। पैरेलल कम्बिनेशन में जो आपकी RT है ये RT हमेशा आपकी R1 से भी लेस होगी, यही RT हमेशा आपकी R2 रेजिस्टेंस से भी लेस होगी। लेस इसलिए क्योंकि ये RT जो है वो 1/RT की फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कम आएगी। सिमिलरली RT अगर बहुत ही ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस लगा दी गई है तो ये R मैक्सिमम से भी बहुत ज़्यादा कम होगी। इसका मतलब है कि हम लोगों को अगर ये रिक्वायरमेंट्स दी गई हों कि हम लोगों ने सीरीज़ और हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस है उन्हें इस तरीके से जोड़ना है कि हमारा वोल्टेज तब्दील ना हो, करंट चाहे तब्दील हो जाए, और जितना भी करंट तब्दील होगा वो इन तीनों के एडिशन के बराबर होगा जो कि बैटरी के बराबर होगा। बैटरी ने जितना करंट इस सर्किट को दिया होगा उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट्स है कि आपने अपने सर्किट का जो वोल्टेज है वो तब्दील नहीं करना, तो उस सिचुएशन में आप अपनी सीरीज़ जो आपकी रेजिस्टेंस है उन्हें पैरेलल कम्बिनेशन में ही जोड़ेंगे, तब आपके पास जो करंट है वो चेंज होगा और वोल्टेज जो है वो आपके पास सेम आएगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से एक ब्रेडबोर्ड दिया होता है, ब्रेडबोर्ड होता है यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है जिसे हम ब्रेडबोर्ड कहते हैं। इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर हम लोग मुख्तलिफ जो है अप्लाइंसेस वगैरह लगा देते हैं, रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, कैपेसिटर भी लगा देते हैं, जो जो हमें सामान रिक्वायर्ड होता है, जो भी ऑपरेटर हमें दिया गया होता है जिसके थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है,
उन्हें हम लोग इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं, उसके बाद हम इस ब्रेड बोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम इस तरीके से इन रेजिस्टेंसेस को और जो हमारे पास कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट प्लाइसेस होते हैं, उन्हें इसके ऊपर लगा के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका था कि रेजिस्टेंस को पैरेलल कम्बिनेशन में किस तरीके से जोड़ते हैं और रेजिस्टेंस को सीरीज कम्बिनेशन में किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो होप्स आपको समझ आ चुका होगा कि रेजिस्टेंस कम्बिनेशन क्या होता है और किस तरीके से रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं।